अनुराग जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि देखिए एक नैरेटिव बीजेपी बना रही है, और जब भी बीजेपी के नेता भाषण देंगे तो वो यही कहेंगे कि देखिए माफिया मरा तो समाजवादी पार्टी वाले रोने लगे। ये नैरेटिव बनाएगी बीजेपी क्योंकि पॉलिटिकली उनको सूट करता है। और ऐसे वक्त पर जब आप सामने आकर जयश्री जी या ऐसे लोगों की आवाज नहीं बनते हैं और साथ देते हैं कि अतीक अहमद के साथ ऐसा क्यों हुआ, तो उस आरोप को कहीं बल तो नहीं मिल रहा है? पॉलिटिकली पूछ रही हूं मैं आपसे। मैं पॉलिटिकली जवाब दे रहा हूं। किसने कहा कि माफिया का हम सपोर्ट कर रहे थे? हमने बोला संविधान के अनुसार देश चलेगा, न्यायपालिका के अनुसार देश चलेगा, तो ये गुना है। और जब यहां पे जयश्री बहन बैठी है वो कह रही है कि हमें न्याय नहीं मिला। 16/17 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 6 साल से है, 6 साल से क्या इन्होंने उनको न्याय दिलाया? मेरा सीधा सवाल है, क्या उन्होंने उनकी जमीन वापस दिलाई? ये सीधा सवाल है। ये काम इसका जवाब ना दे कि वो जवाब समाजवादी से पूछ रहे हैं कि आप जमीन दिलवाइए। अरे सरकार आपकी 6 साल से जमीन हम दिलवाएं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बार बार आप बुलडोजर की बात करते हैं, अच्छी बात आप बुलडोजर की बात करते हैं, लेकिन ये बताइए जालौन में भी छात्रा की जो हत्या हुई तो क्या बुलडोजर चला? छात्रा मतलब समझते हैं ना, माँ बेटी कानपुर में जिंदा जली तो कौन सा बुलडोजर चला? ये मैं आपसे सवाल है मेरा। हेमंत यादव में एक छात्र मारा गया बलिया में तो कौन सा बुलडोजर? सुन लीजिए, आप कहते हो कि यहां पर बुलडोजर, मैं ये आपसे कहता हूं हम तो संविधान और न्यायपालिका की बात करते करते आपको एग्जांपल दे रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि लखीमपुर खीरी में जब रौंदा 4 लोगों को रौंद दिया गया मंत्री के बेटे ने, उस पे आरोप है, तो क्या बुलडोजर चला? सवाल ये है, क्या हथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ तो क्या बुलडोजर चला? देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल ये है क्या परसेप्शन बदलने की बात करते हो? आप सत्ता में रह के भी विपक्ष पे उंगली उठाते हो, आप सत्ता की जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हो। हम अपनी विपक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जो उमेश पाल की हत्या हुई थी हमने आवाज सदन में भी उठाई थी, सदन के बाहर भी उठाई थी कि यहां पे कानून का राज नहीं चल रहा है। तो आप पलट के जवाब मुझसे पूछने लगते हो? हमने आवाज उठाई। अगर सुनिए, राजू पाल की अगर पत्नी विधायक है तो समाजवादी पार्टी से विधायक है श्रीमती पूजा पाल। आप हम समाज में न्याय की बात करते हैं, हम समाज में सामाजिक न्याय की बात करते हैं, हम समाज में लोगों को पैर पे खड़े होने की बात करते हैं, हम समाज में जो कमजोर व्यक्ति है उसकी आवाज उठाते हैं और हम कहते हैं समाज विकास के रास्ते पे चलना चाहिए। तो आप उसको हमारी बात को पकड़ के आप उल्टी हमारे पे बोलते हो, क्योंकि हम तो सत्ता में है नहीं, हम तो विपक्ष में है, हम विपक्ष की आवाज मजबूती से उठाते हैं, तो आप मुझसे सवाल पूछना चाहते हो? तो जिम्मेदारी आपकी बनती है कि जयश्री बहन को न्याय दिलाने की। आप उस पर नहीं बोल पा रहे हो कि जमीन कब वापस दिलाओगे? अभी बोल दीजिए जमीन 10 दिन में वापस दिला देंगे, क्या दिक्कत है? बोल दीजिए कि 10 दिन में जमीन वापस आ जाएगी। बोलिए, हम सब सुन रहे हैं, पूरा देश सुन रहा है, प्रदेश सुन रहा है कि 10 दिन में बहन जयश्री की जमीन वापस आप दिला देंगे, सरकार आपकी है। चलिए यहीं पर खत्म करते हैं। बोलिए अंजना जी, जवाब दे दीजिए। जमीन कब्जा करने वाले कह रहे हैं कि आप जवाब दीजिए कि जमीन कब, अरे आप जमीन कब खाली कर रहे हो ये बता दो भैया। जमीन तो आपने कब्जा कर रखी, अतीक अहमद ने कब्जा कर रखी। अतीक अहमद आपकी, बोले दो अनुराग, बोले दो चुप ना। अतीक अहमद आपकी पार्टी का एमपी, अशरफ आपकी पार्टी का विधायक प्रत्याशी, जमीन आपने कब्जा की, आप हमसे कह रहे जमीन कब खाली करा रहे हो? हम तो बुलडोजर चला रहे हैं और चलाएंगे, और जयश्री बहन को भी पता है। शलभ मणि जी, अब आपको समाजवादी पार्टी वालों से जमीन मांगनी पड़ रही है? मैं तो बता रहा हूँ कि जमीन कब्जा नहीं करते हैं। वादा कीजिए ना, खत्म कीजिए मामले को, संपत्ति खत्म कीजिए ना, वो के संपत्ति, इसलिए मैं मांग रही हूँ। अरे जयश्री जी, रुके रुके, मुझको चाहिए। राम गोपाल यादव कौन है? तो मेरी संपत्ति है। मुरादाबाद के एमपी कौन है जो समाजवादी पार्टी के हैं, खुलकर अतीक अहमद के साथ खड़े हो गए? तेजस्वी यादव इनके रिश्तेदार हैं, आज अतीक जी के साथ खड़े हो गए, उस पर रो रहे हैं। पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी अतीक अहमद के साथ खड़ी है, पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी। अच्छा ठीक है, ठीक है जयश्री जी, मुझे अन्य मेहमानों को भी शामिल करना है। जयश्री जी, जब कुछ राजनेता तेजस्वी जी ने कहा कि ये बोले, तेजस्वी जी ने कहा कि ये अतीक जी का जनाजा नहीं है, ये कानून का जनाजा है। जब कोई अतीक अहमद को पॉलिटिकल नेता जो कि उप मुख्यमंत्री है, मंत्री है, ये लोग सम्मान देते हैं, तो आपको अच्छा लगता है या आपको गुस्सा आता है? अब गुस्सा करके क्या पाएंगे, गुस्सा करके क्या पाएंगे? मैं अपनी जबान क्यों खराब करूं? मैं कभी नहीं जबान अपनी खराब किया, मैं अपने धुन पर रही आई हूं कि मेरे पुरखों के है तो मुझको मिली, कागज लगाती रही, मेरा नाम चढ़ा, आने आन कोनो फिर जो बसे हैं वही लोग ठाड़ हो जाते हैं, राजस्व विभाग में मेरा नाम चढ़ चुका है। आपको बुरा लगता है अनुराग जी, जब पति जी कहते हैं तेजस्वी जी, तो अनुराग भदौरिया नाम चढ़ गया है, जयश्री कुशवाहा की जमीन कब्जा भी कर पाएंगे आप लोग?
अनुराग जी रुक जाइए, कैसे मुद्दे को डाइवर्ट किया जा रहा है? अंजना जी, मैंने एक सवाल पूछा उसका जवाब दिलवा दीजिए। अंजना जी मेरे भी सुन लीजिए, अतीक जी बोल रहे सुन लीजिए, मेरे भी सुन लीजिए, ठीक है रुकिए, शैलमणि जी रुकिए, मेरा एक सवाल सुनिए, बोलिए अनुराग जी, बोलिए अंजना जी, देखिए इशू को डाइवर्ट कर जा रहा है। मैंने अंजना जी एक सवाल का जवाब पहले मुझे दे दीजिए, फिर मैं आपके जवाब दे दूंगा। मैंने जी बोलना ठीक है, अरे मेरे सवाल का जवाब से आप क्यों भागना चाहती हैं? अंजना जी मैं कह रहा हूँ कि इनसे कहिए, बीजेपी के प्रवक्ता से, क्या 10 दिन में जयश्री जी की जमीन वापस दे देंगे? इनको दिलवाइए, हम चाहते हैं इनकी जमीन वापस मिलनी चाहिए। बोलिए 10 दिन में दिलाएंगे, 10 दिन का टाइम है सरकार आपकी, दिला दीजिए, बोलिए 10 दिन में जमीन वापस दिलवाएंगे आप? आप कैसे लोग हैं कि आपने जमीन कब्जा किया? अरे जवाब दीजिए ना, इधर उधर की बातें मत कीजिए। आप देखो बहन को न्याय दिलवाना है और न्याय की बात कर रहे हैं, बताइए 10 दिन में उनकी जमीन वापस मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जयश्री कुशवाहा की जवाब नहीं दोगे प्रभु, इधर हमने पूछा बहन को न्याय दिलाओ, उसकी जमीन वापस दिलाओ, इतने बड़े झूठे जयश्री कुशवाहा की बात पर भरोसा चले जाए, लड़ाई मत कीजिए बीच में, वो भी आपको सुन रही हूँ, न्याय नहीं मिलेगा इस चक्कर में, लड़ाई का क्या क्या है? कितने दिन में जमीन, कोई टाइमलाइन दे दीजिए ना शलभमणि जी, आप विधायक हैं सर, आप लोग पापुल है, टाइमलाइन तो दीजिएगा ना कुछ। मैं कह तो रहा हूँ नाम चढ़ गया, जयश्री कुशवाहा जी आपके सामने बता रही अंजना जी की राजस्व विभाग से नाम चढ़ गया है और जमीन इनको मिल जाएगी। अभी समाजवादी पार्टी वाले कब्जा नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके जो आका थे वो अनफॉर्चुनेटली वो भी अब नहीं बचे, दुर्घटना हुई, हम भी मानते हैं दुर्घटना थी, नहीं होनी चाहिए थी।